जीबी के मेन मार्केट में आपको जीबी बस स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से सुबह 8 बजे जलोरी पास जाने वाली बस जाती है। लोकल से एक बार बस का टाइमिंग पूछ लेना जब आप जाओगे। आप कैब से भी जा सकते हो, कैब ड्राइवर 2000 लेता है इंक्लूडिंग पिकअप ड्रॉप एंड वहाँ का वेटिंग टाइम। अगर आप मनाली और शिमला जाके बोर हुए हो तो आप जीबी आ सकते हो। जीबी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत कम लोग दिखेंगे आपको, लोकल ही ज़्यादा दिखेंगे और बहुत शांत और सुकून की जगह है। बस ठीक 8 बजे जीबी के बस स्टैंड पे आ गई थी। ड्राइवर भैया ने बाद में 80s और 90s के काफ़ी अच्छे सॉन्ग लगाए थे और मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मेरा सफ़र कैसे गुजरा मुझे पता भी नहीं चला। Moments later. Guys, तो अभी मैं जलोरी पास पहुंच गई हूँ और यहाँ पे जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो महाकाली मंदिर है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पहले मंदिर में जाके दर्शन लेना और बाद में ट्रेक के लिए शुरुआत करना। सो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने अपने कान ढक लिए अभी। ये बहुत ऊपर के साइड पे है, हाई एल्टीट्यूड, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा है। जब आप जलोरी पास पहुंच जाओगे वहाँ से आपको 3 ट्रैक करने मिलेंगे। एक तो है रामपुर फोर्ट, दूसरा है सिरलोस्कर लेक और तीसरा है 360 पॉइंट व्यू। तो अभी मैं जा रही हूँ रघुपुर फोर्ट। यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। आपको तीनों ट्रैक करने के लिए पहले जलोरी पास ही उतरना पड़ेगा। बहुत ठंड है यहाँ पे, जगह जगह पे एरो बने हुए हैं, तो आपको सीधा रास्ता ही जाना है। और बीच में कुछ लोग रहते हैं जहाँ एक खाने का शॉप है, वो पूछते भी हैं कि हॉर्स चाहिए क्या या गाइड चाहिए क्या, लेकिन विदाउट गाइड भी ये ट्रिक होता है, आपको सीधे रास्ते जाना है सिर्फ। जगह जगह पे ऐसे बोर्ड्स लगाए हैं, अभी 2500 मीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये आप देख सकते हो जगह जगह पे ऐसे एरो बनाए हुए हैं। अभी तो मैं अकेली ही हूँ इधर, तो मैं इसी एरो के सारे ट्रैक कर रही हूँ मेरा। लेट्स सी। जब आधा ट्रैक करके हो जाएगा तब एक स्मॉल मेडो जैसी जगह दिखेगी। यहाँ पे एक दो स्टॉल से खाने पीने के लिए और यहाँ बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। वैसे तो पूरा ट्रैक मुझे इजी लगा, सिर्फ लास्ट 1 किलोमीटर थोड़ा स्टीफ है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा गया था। मैं वेट कर रही थी लेकिन वो उधर गायब हो गए, क्या पता। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, यहाँ पे ऑटो का आपको बहुत
फुटपाथ हार्ड लगा। ऊपर पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है और ये ट्रिक वर्थ लगने लगता है। और हमने ही आपको खाने पीने के 2-3 स्टॉल्स मिलेंगे। यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, आप खुद का भी टेंट ला सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो कैंप्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके सब पूछ सकते हो। कोशिश करना ऊपर आप 1 घंटा तो स्पेंड करो आराम से, थोड़ा बैठो उधर एक्सप्लोर करो, उसके बाद ही उतरना। उतरने के टाइम पे इतना टाइम नहीं लगता। तो जलोरी पास से और एक पॉइंट है 360 व्यू पॉइंट, जहाँ पे ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी, तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो वही रास्ता है आने का, उसी रास्ते से सब आते हैं। और यहाँ से आपको ऊपर आना है। यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक पत्थर है जहाँ पे लिखा रहेगा 360 व्यू पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा है, ये 30 मिनट्स का ट्रेक है, अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। व्यू के यहाँ पे आपको ऐसे एरोज मिल जाएंगे जिससे आपको ऊपर जाने का रास्ता पता चलेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो रघुपुर फोर्ट है यहाँ पे, ये जो आप सामने देख रहे हो जहाँ पे लोग जा रहे हैं
वही 360 डिग्री व्यू पॉइंट है। यहीं पे ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी। लेकिन क्लाइमेट फिर से चेंज हुआ है, अभी ठंडी बढ़ गई है। मैं ऊपर गई थी तब कम ठंडा लग रहा था, इसलिए मैंने जैकेट वगैरह निकाल के रखा था, लेकिन अभी बहुत ठंड लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।